ई सामग्री लैब में आप सभी का स्वागत है। जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर के अंतर्गत इस वीडियो में हम प्रोट्रैक्टर की सहायता से विभिन्न प्रकार के एंगल्स को मेजर करेंगे और साथ में स्लाइडर टूल का प्रयोग एनिमेशन में कैसे किया जाता है उसको भी सीखेंगे। तो आज हम जियोजेब्रा टूल्स के अंतर्गत एक नई एक्टिविटी करेंगे और उसका नाम है हाउ टू क्रिएट ए प्रोट्रैक्टर इन जियोजेब्रा एंड मेजरिंग द एंगल्स। इट मींस कि हम प्रोट्रैक्टर की सहायता से यहाँ पे एंगल को मेजर करेंगे कि वो कितने डिग्री के हैं। तो उसके लिए हमें ग्राफिक एरिया में एंगल बनाएंगे। तो इसके लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की आवश्यकता नहीं है, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। तो आपने देखा कि दोनों लाइन हट गई। अब हम सबसे पहले यहाँ पर लाइन सेगमेंट में एक लाइन यहाँ पे बना लेते हैं। ए से लेकर हमने ये लाइन बी तक बनाई और इसको नाम दिया एफ। यहाँ पे देख रहे हैं आप एलजेब्रा व्यू में एफ हमारा सेगमेंट ए टू बी और ये 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम एक स्लाइडर बनाएंगे जिसकी हमें इसमें आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे हमने स्लाइडर को क्लिक किया और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा नंबर, एंगल और इंटीजर्स। तो हमें यहाँ पर एंगल बनाने हैं तो एंगल को चुनेंगे। यहाँ पे हमने एंगल चुना और यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल ले लेंगे। यहाँ पे अल्फा लिया हुआ है, हम उसे कैपिटल ए ले सकते हैं। तो हमने कैपिटल ए ले लिया, मैक्सिमम 360 बनाएगा। तो हमें प्रोट्रैक्टर में 180 डिग्री होता है तो हम 180 डिग्री लेंगे यहाँ पे। तो हमने मैक्सिमम 180 डिग्री ले लिया और इंक्रीमेंट हम एक भी दे सकते हैं, पाँच भी दे सकते हैं। अगर हम एक देंगे तो एक दो तीन चार करके 180 डिग्री तक सारे एंगल बनेंगे। अगर हम 5 देंगे तो 5 के गैप से बनेंगे, 10 देंगे तो 10 के गैप से एंगल बनेंगे। तो हमने 1 ही रखा यहाँ पे और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। एक चीज़ का ध्यान देंगे कि हमने वेरिएबल ए लिया है अल्फा की जगह और इसको ओके कर देंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा स्लाइडर यहाँ बन गया है, इसको हम यहाँ से मूव करा लेंगे। तो ये स्लाइडर हमने मूव करा लिया है, हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो हमारा स्लाइडर बन गया है। अब हमें यहाँ पर, अब हम इसको फिर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ से हम ऑप्शन चुनेंगे रोटेट अराउंड पॉइंट। इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो हमें ये जो सेगमेंट है हमारा ए और बी, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है एंगल 45, लेकिन हम यहाँ पर एंगल 45 को हटा के वेरिएबल देंगे क्योंकि हमने ए वेरिएबल डिफाइन किया है। तो इसको हम कैपिटल ए डिफाइन कर देंगे और काउंटर क्लॉकवाइज ऑप्शन चुनेंगे। क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं लेकिन हम काउंटर क्लॉकवाइज यहाँ पे ऑप्शन लेंगे और इसको ओके कर देंगे। आपने देखा कि ये हमारा एक एंगल बन गया। यहाँ से मूव करके देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये एंगल 180 से 0 तक मूव कर रहा है। अब हम इसमें प्रोट्रैक्टर की इमेज लेके आएंगे और वो इमेज हमें इस ऑप्शन में मिलेगी। इसमें इमेज को हम क्लिक करेंगे और चूज फाइल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने प्रोट्रैक्टर की इमेज पहले ही डाउनलोड करके रखी हुई है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे। इमेज हमारी यहाँ पर आ जाएगी और इसको हम ओके कर देंगे। जैसे आप इसे ओके करेंगे तो देखिए ये आप हमारी इमेज प्रोट्रैक्टर की यहाँ आ गई है। इसे हम ड्रैग करके इसको सही जगह पे फिक्स कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया एकदम यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं कि प्रोट्रैक्टर की इमेज है, यहाँ पे इसके दो पॉइंट है, इन पॉइंट की हमें आवश्यकता नहीं तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे डी और इसको सेलेक्ट करके ई को हम यहाँ से हटा देंगे। अब इमेज में आप देख रहे हैं कि जो हमें एंगल यहाँ से जो दिखाई देगा
वो ब्लैक कलर के कारण वो ठीक प्रकार से नहीं दिखेगा, तो हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। तो इस पे हम यहीं पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे सेटिंग आई है। सेटिंग में जाके कलर ऑप्शन को हम चुन लेंगे और इसको हम रेड कलर ले लेंगे। तो आपने देखा कि ये लाइन हमारी रेड कलर की हो गई है। यहाँ पर हम और ऑप्शन देख लेते हैं, और ऑप्शन की हमें आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ से हम इसको बंद कर लेंगे। अब आप यहाँ से चेक करके देखिए तो ये रेड लाइन हमारे को साफ दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हम ऐसा एक टेक्स बनाएं जिसमें हम इस लाइन को मूव करेंगे तो हमें एंगल भी यहाँ पर बताता रहेगा। तो उसके लिए हमें फिर इस टूल्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे ABC टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये टेक्स पूछ रहा है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल, ANGLE एंगल, और इजिकल टू का हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। और एडवांस ऑप्शन में हम यहाँ पे जाकर इसको क्लिक करेंगे। तो आपने देखेंगे यहाँ कि हमने ए वेरिएबल लिया था, तो हम यहाँ पे ए वेरिएबल को स्थापित कर देंगे। तो ए को जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये हाइलाइटेड ए आ जाएगा और इसको हम ओके कर देंगे। तो आपने देखा एंगल 108 आया। अब हम इसको हल्का सा मूव करेंगे तो ये एंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसको हम और अच्छे ढंग से फॉर्मेट कर देते हैं। इसको सेटिंग में जाकर हम इसको टेक्स्ट थोड़ा इसका बड़ा कर देते हैं, यहाँ से स्मॉल की जगह मीडियम, और बोल्ड कर देते हैं, और इसका कलर भी हम यहाँ से चेंज करके इसको कर देते हैं रेड, और इसको हम कर देते हैं ओके। तो आपने देखा ये आ गया। फिर हम इसका दोबारा ऐड करेंगे यहाँ से एडिटिंग, और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। तो देखो एंगल 108 आया। अब हम इसको यहाँ पर स्थापित कर देते हैं एंगल 108। अब जैसे हम इसको मूव करेंगे तो आप देख रहे कि ये दिखाई दे रहा। तो ये ग्राफिक व्यू के कारण हमें थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा, तो ग्राफिक जो है ये ग्रिड है इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफिक आए हैं इसमें हम 100 ग्रिड से इसको हटा देते हैं, तो इसको 9 ग्रिड चाहिए हमें। अब आप देखें कि हमें एकदम जो हमारा सरफेस एकदम क्लीन दिखाई दे रहा, इसमें अब हम इसको प्रयोग को करके यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए आपको किस प्रकार हमारे एंगल मूव कर रहे हैं, और इसमें हम जीरो से ऊपर, आप देखिए जीरो से जैसे हम आगे बढ़ाएंगे हम बोलेंगे 60 एंगल, तो यहाँ पे हमारा 60 एंगल होगा। अगर हम चाहेंगे 90 एंगल तो यहाँ पे 90 एंगल हमें दिखाई देगा। धीरे से मूव करेंगे तो ये 90 आ गया। 120 एंगल और 180 एंगल। तो इस प्रकार हम सारे एंगल इस जो हमने ये टूल लिया है, यहाँ पर स्लाइड बार ले रखा है जिसको हम स्लाइडर बोलते हैं, उसकी सहायता से हम सारे एंगल्स को यहाँ पर बनाना सीख सकते हैं, उनको मेजर करना सीख सकते हैं। तो ये था प्रोट्रैक्टर के माध्यम से एंगल को मेजर करने का तरीका।